दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कथन तथा निष्कर्ष से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं तथा 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न इस वीडियो के अंदर हम लेके आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी एग्जाम के अंदर एक और एक प्रश्न हमेशा पूछे ही जा रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेलवे, बैंक, SSC हमेशा हर एक एग्ज़ाम में एक एक प्रश्न इसका अवश्य होता है। तो कॉन्क्लूशन और स्टेटमेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण 15 प्रश्न इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप चैनल पर नहीं आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों जितने भी प्रश्न हैं उनको सोल्व करने के लिए हमेशा हमारे पास चार ऑप्शन होंगे। तो जो चारों ऑप्शन हैं उनको पहले हम समझा देते हैं कि ये जो चारों ऑप्शन है ABCD, इसके अंदर ए ऑप्शन कब सही होगा? जब केवल आपका निष्कर्ष फर्स्ट सही है। अगर निष्कर्ष जो पहला है वो सही है तो ए ऑप्शन राइट होगा, और अगर निष्कर्ष सेकंड अगर आपका सही है तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, और अगर आपके दोनों निष्कर्ष सही हैं तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, और अगर आपके दोनों निष्कर्ष गलत है तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो इस प्रकार से हमको दोस्तों आंसर देने हैं। तो अगला फर्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है कि जो सभी हाथी शेर है और सभी शेर बंदर है, सभी हाथी शेर हैं और सभी शेर बंदर है, ये जो है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके दो निष्कर्ष दे रखे हैं हमारे को। फर्स्ट वाला है सभी हाथी बंदर है, सेकंड वाला कुछ बंदर हाथी है। तो इसको किस प्रकार से सोल्व करना है? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमको वेन आरेख बनाने की ज़रूरत होगी। तो वेन आरेख कैसे बनाएंगे? सभी हाथी शेर है, मान लो हम यहाँ मान लेते हैं ये सभी हाथी है, और सभी हाथी दे रखे हमको शेर है, तो ये जो जितने भी हाथी है वो आ जाएंगे दोस्तों शेर के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद दे रखा है सभी शेर बंदर है, ये जितने भी शेर वो सारे क्या है? बंदर है, तो सभी शेर और हाथी बंदर के अंदर आ जाएंगे। तो दोस्तों निष्कर्ष है हमारे पास सभी हाथी बंदर है, पहला निष्कर्ष है सभी हाथी बंदर है। तो दोस्तों ये जो सभी हाथी है वो बंदर के अंदर आ रहे हैं, तो ये फर्स्ट वाला निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद कुछ बंदर हाथी है, तो दोस्तों हम देख सकते हैं ये जो बंदर है उनका जो थोड़ा पार्ट है वो हाथी के अंदर आ रहा है, तो ये वाला निष्कर्ष भी हमारे सही हो जाएगा। कुछ बंदर आती है ये भी निष्कर्ष सही है। तो कहने का मतलब दोस्तों इस वाले प्रश्न में दोनों निष्कर्ष सही हैं। तो दोस्तों हमने बताया था कि दोनों निष्कर्ष अगर सही है तो कौन सा ऑप्शन देना है हमको? तो ऑप्शन देना है हमको दोनों निष्कर्ष सही हैं, तो हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमको दे रखा है कुछ खिलाड़ी गायक है, कुछ खिलाड़ी जो है वो गायक है। उसके बाद सभी गायक जो है लंबे है, कुछ खिलाड़ी गायक है। तो हम यहाँ बना लेते हैं कुछ जो खिलाड़ी है, खिलाड़ी को हम प्लेयर P से लिख देते हैं। उसके बाद जो खिलाड़ी है वो गायक है, गायक का मतलब सिंगर है, कुछ खिलाड़ी गायक है। दोस्तों कुछ खिलाड़ी गायक है, इसका मतलब या तो हो जाएगा कुछ खिलाड़ी गायक है, कुछ खिलाड़ी कुछ प्लेयर सिंगर है, तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। कुछ तो आ जाए तो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। उसके बाद सभी जो गायक है वो लंबे है, ये जितने भी गायक आ रहे हैं वो सारे क्या है दोस्तों? लंबे है, लॉन्ग है। अब निष्कर्ष देखते हैं हम, कुछ खिलाड़ी लंबे है, कुछ खिलाड़ी जो प्लेयर है वो लंबे में आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, कुछ प्लेयर का जो भाग है यहाँ पर आप देखते हैं अगर, तो कुछ प्लेयर का भाग लंबे के अंदर आ रहा है, तो ये अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। सेकंड है सभी खिलाड़ी लंबे है, सभी जो प्लेयर है वो लंबे है, तो ये दोस्तों यहाँ पर पी जो प्लेयर का आ रहा है वो बाकी रह रहा है, ये लंबे के अंदर नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही नहीं है। केवल ऑप्शन नंबर फर्स्ट या जो कथन है निष्कर्ष है वो पहला निष्कर्ष हमारा सही है। तो इसके लिए हमको करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ए वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए या निष्कर्ष एक सही है। तीसरा प्रश्न है, दोस्तों तीसरे प्रश्न में दे रखा है सभी चाबी ताले हैं, सभी जो चाबी है वो क्या है दोस्तों? ताले है। सभी चाबी किसके अंदर आ रहे हैं? ताले के अंदर आ रहे हैं। चाबी को हम सभी चाबी जो है वो ताले हैं, तो सभी चाबी को हमको ताले के अंदर बना देना। और फिर सभी ताले पेच हैं, तो ये जो सभी ताले जो आ रहे हैं वो पेच के अंदर आ रहे हैं दोस्तों। इस प्रकार से वेन आरेख बनेगा। तो निष्कर्ष दे रखे हमको सभी पेच चाबी है,
सभी पेज चाबी है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो पेज का जो हिस्सा है वो पेज का हिस्सा चाबी के अंदर है लेकिन वो पूरा नहीं है, तो सभी पेज चाबी है ये हम नहीं कह सकते, तो निष्कर्ष जो फर्स्ट है वो गलत हो जाएगा। उसके बाद सेकंड निष्कर्ष के अंदर कुछ ताले चाबी है, कुछ ताले जो है चाबी है, तो ये बात दोस्तों सही है, जो ताले है उसके अंदर चाबी आ रहा है, तो कुछ ताले के अंदर चाबी आ रहा है, तो निष्कर्ष सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। और निष्कर्ष सेकंड कब सही होता है, जब ऑप्शन नंबर बी चूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है कि निष्कर्ष सेकंड सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ किताब खिलौने हैं, कुछ जो किताब है वो खिलौने हैं दोस्तों, कुछ किताब खिलौने हैं, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं कुछ किताब खिलौने हैं, ये हो जाएगी दोस्तों किताब और ये हो जाएगी दोस्तों खिलौने, कुछ किताब खिलौने हैं। उसके बाद दोस्तों अगला है, कोई खिलौना दवात नहीं है, कोई खिलौना जो है दवात नहीं है, तो दोस्तों दवात जो है वो अलग ही हो जाएगा, दवात इसके अंदर नहीं आएगा, कोई खिलौना दवात नहीं है, लेकिन दोस्तों कोई खिलौना दवात नहीं है, लेकिन दोस्तों दवात जो है वो किताब हो सकता है, तो दवात यहाँ पर भी आ जाएगा, अलग भी होगा और किताब के साथ भी आएगा, क्योंकि खिलौना नहीं होना चाहिए दीवा, जो दवात है वो खिलौना नहीं होगा लेकिन वो किताब हो सकता है। उसके बाद जो फर्स्ट निष्कर्ष दे रखा हमको, कुछ किताबें दवात नहीं है, कुछ किताबें दवात नहीं है, तो दोस्तों कुछ किताबें दवात नहीं है ये हम बात नहीं कह सकते हैं, कुछ किताबें दवात नहीं है ये हम नहीं कह सकते, कुछ किताबें दवात हो सकती है, कुछ किताबें दवात हो सकती है, तो ये निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड वाला है कुछ खिलौने किताबें, कुछ खिलौने किताबें, तो दोस्तों हमको डायग्राम में नज़र आ रहा है जो खिलौने है वो किताब के अंदर आए, तो निष्कर्ष सेकंड वाला हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई मैगजीन कैप नहीं है और सभी कैप कैमरा है, कोई मैगजीन कैप नहीं है और सभी कैप कैमरा है, कहने का मतलब कोई भी मैगजीन जो है कैप नहीं है, मैगजीन और कैप दोनों अलग अलग है, मैगजीन और कैप दोनों अलग अलग है। उसके बाद सभी कैप कैमरा है, जो ये जो कैप है वो सभी किस में आ रहे हैं दोस्तों, कैमरे के अंदर आ रहे हैं, सभी जो कैप है वो कैमरे के अंदर आ रहे हैं, लेकिन मैगजीन हमारा अलग है। फर्स्ट जो हो जाएगा, कोई कैमरा मैगजीन नहीं है, कोई कैमरा मैगजीन नहीं है, तो ये सही है बिल्कुल, कोई भी कैमरा जो है वो मैगजीन नहीं है, मैगजीन अलग है कैमरा अलग है, तो ये निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। सेकंड निष्कर्ष है, कुछ कैप मैगजीन है, कुछ कैप जो है वो मैगजीन है, कुछ कैप मैगजीन नहीं है, दोस्तों मैगजीन पूरा अलग है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर ये निष्कर्ष द्वितीय जो होगा सेकंड वाला वो गलत हो जाएगा, तो इसमें केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ पंखे दीवार है, कुछ पंखे जो है वो हमारे पास दीवार है, कुछ पंखे आ जाएंगे हमारे दीवार के अंदर। उसके बाद सभी दीवार रेडियो है, सभी जो दीवार आ जाएगी वो आ जाएगी रेडियो के अंदर, सभी दीवार आ जाएगी हमारे पास रेडियो के अंदर। निष्कर्ष देखते हैं, कुछ पंखे रेडियो नहीं है, कुछ पंखे जो है रेडियो नहीं है, दोस्तों ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर कुछ पंखे जो रेडियो नहीं है, दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो हमको दोनों जो कथन दे रखे हैं वो दोनों कथन पॉजिटिव हैं, सकारात्मक कथन है, और जो निष्कर्ष दे रखे हैं वो दोनों नकारात्मक या नेगेटिव निष्कर्ष दे रखे हैं। यहाँ पर प्रश्न में हमको कहीं पर भी नहीं नज़र नहीं आ रहा है, कथन के अंदर कहीं पर भी आपको नहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर निष्कर्ष के अंदर दोनों निष्कर्ष में नहीं है नहीं है आ रहा है, तो कभी भी सकारात्मक प्रश्न के नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकाले जाते हैं, तो दोस्तों इसमें दोनों ही निष्कर्ष हमेशा गलत होते हैं, तो दोनों ही निष्कर्ष इसके गलत हो जाएंगे, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ स्कूटर ट्रक हैं और सभी ट्रक ट्रेनें हैं, कुछ स्कूटर जो है वो ट्रक है, कुछ स्कूटर आ जाएंगे हमारे ट्रक के अंदर, कुछ स्कूटर आ जाएंगे ट्रक के अंदर, ये हो जाएंगे कुछ स्कूटर और ये हो जाएंगे हमारे ट्रक। उसके बाद सभी ट्रक जो है ट्रेनें हैं, सभी जो ट्रक आ जाएंगे वो हमारे ट्रेनें के अंदर आ जाएंगे, तो दोस्तों इसके जो निष्कर्ष है, कुछ स्कूटर ट्रेनें हैं, तो कुछ स्कूटर ट्रेनें के अंदर आ रहे हैं, तो निष्कर्ष फर्स्ट ये हमेशा सही है हमारा। सेकंड है, कोई ट्रक स्कूटर नहीं है, कोई ट्रक जो है वो स्कूटर नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्कूटर हैं, तो ये निष्कर्ष हमारा गलत है,
क्योंकि जो ट्रक है वो स्कूटर के अंदर आ रहा है, जबकि इसमें दे रखा है कोई ट्रक स्कूटर नहीं है, तो ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा। और इसमें दोस्तों आप देख सकते हो दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है हमारे पास, कथन दोनों पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव निष्कर्ष निकाला ही नहीं जा सकता है। तो इसके लिए केवल निष्कर्ष फर्स्ट वाला सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी कप तकिया हैं, सभी जो कप है वो तकिया है, कहने का मतलब ये जो कप होंगे सभी वो आ जाएंगे हमारे तकिया के अंदर, क्योंकि सभी कप जो है वो तकिया हैं। उसके बाद सभी पेन तकिया हैं, सभी कप भी तकिया हैं और सभी पेन भी तकिया हैं, कहने का मतलब हमको तकिया के अंदर पेन भी आ जाएंगे और कप भी आ जाएंगे, कप भी तकिए के अंदर आ जाएंगे और पेन भी तकिए के अंदर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका वेन आरेख बनेगा। निष्कर्ष देख लेते हैं हम, कुछ तकिया कप है, कुछ जो कप तकिया है वो कप है, तो ये दोस्तों हम देख सकते हैं तकिया के अंदर कप आ रहा है तो कुछ तकिया कप है, ये निष्कर्ष सही है। उसके बाद कुछ पेन जो है कप है, तो कुछ पेन कप हैं, तो ये हम कह नहीं सकते क्योंकि कप और पेन दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, कप और पेन दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, तो कुछ पेन कप है ये हम कुछ कह नहीं सकते, तो ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पत्थर ईंटे हैं, कुछ पत्थर हो जाएगी ईंटे, कुछ पत्थर हमारे पास हो जाएगी ईंटे। उसके बाद कुछ ईंटे पेड़ है, तो कुछ ईंटों का भाग आ जाएगा हमारे पेड़ के अंदर। तो इसके निष्कर्ष देख लेते हैं, पहला निष्कर्ष है कुछ पत्थर पेड़ है, कुछ पत्थर पेड़ है, तो पेड़ और पत्थर का कोई संबंध यहाँ पर स्थापित नहीं हो रहा, तो ये निष्कर्ष हमारा फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष है कुछ पेड़ ईंट हैं, कुछ पेड़ जो है वो ईंट है, तो पेड़ और ईंट का बीच में संबंध स्थापित हो रहा है, तो कुछ पेड़ ईंट है, ये निष्कर्ष हमेशा ये हमारा सही हो जाएगा, सेकंड वाला निष्कर्ष यहाँ पर हमारा सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी कार बिल्ली है, सभी जो कार है वो आ जाएगी बिल्ली के अंदर, सभी कार आ जाएगी बिल्ली के अंदर। उसके बाद है सभी कार जो है पंखे है, सभी कार बिल्ली है, सभी कार पंखे है। उसके बाद जो ये सभी कार है वो पंखे के अंदर भी आ जाएगी, मतलब जो ये कार वाला पोर्शन है वो पंखे के अंदर भी है और बिल्ली के अंदर भी है। इसको आप इस प्रकार से भी बना सकते हो, ये जैसे बीच में हम कार वाला पोर्शन ले लेते हैं, तो ये जो कार वाला पोर्शन है वो हमारे पास बिल्ली के अंदर भी है और पंखे के अंदर भी है, दोनों के अंदर आ रहा है ये दोस्तों। तो इसका निष्कर्ष पहला है कुछ पंखे बिल्ली है, तो कुछ पंखे बिल्ली है, तो ये दोनों के अंदर कॉम्बाइन आ रहा है कार वाला, तो ये बिल्ली के अंदर भी आ रहा है पंखे के अंदर भी आ रहा है, तो कुछ पंखे बिल्ली है दोस्तों, ये निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। दूसरा है कुछ बिल्ली कार है, तो कुछ बिल्ली कार है ये वाला निष्कर्ष भी सही हो जाएगा, क्योंकि जो कार है वो बिल्ली के अंदर आ रही है, तो कुछ बिल्ली कार है, ये दोनों निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला जो क्वेश्चन है, सभी चूहे बिल्ली है, सभी जो चूहे है वो बिल्ली है, तो हम बना लेते हैं ये सभी चूहे बना लेते हैं, और ये जितने भी चूहे हैं वो आ जाएंगे बिल्ली के अंदर, सभी चूहे जो है वो बिल्ली है, और कुछ चूहे खरगोश है, तो कुछ चूहे जो है वो यहाँ पर हमारे आ जाएंगे खरगोश है, कुछ चूहे यहाँ पर बना लेते हैं दोस्तों हम, ये सभी चूहे बिल्ली है, सभी जो चूहे हैं वो दोस्तों बिल्ली के अंदर आ रहे हैं। उसके बाद कुछ चूहे खरगोश है, तो यहाँ बना लेते हैं हम कुछ जो चूहे हैं वो खरगोश हैं। पहला निष्कर्ष दे रखा है कुछ बिल्ली खरगोश है, तो कुछ बिल्ली जो है वो खरगोश है, तो दोस्तों यहाँ पर बिल्ली का जो पार्ट आ रहा है वो खरगोश के अंदर आ रहा है, तो ये कथन हमारा सही है, निष्कर्ष जो है वो फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। उसके बाद कुछ बिल्ली चूहे हैं, तो कुछ बिल्ली का जो भाग है वो चूहे के अंदर भी आ रहा है, तो ये वाला निष्कर्ष भी सही हो जाएगा। तो इसके दोनों निष्कर्ष सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ मोर चीता हैं, कुछ मोर जो है वो चीता हैं, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं मोर और इसका कुछ पार्ट जो है वो चीता है, यहाँ पर आ जाएगा चीता, और सभी चीता बंदर है, तो ये सारे जो चीता है वो आ जाएंगे बंदर के अंदर।
अब दोस्तों पहला जो निष्कर्ष है, कुछ मोर बंदर है, तो कुछ जो मोर का जो पार्ट आ रहा है ये दोस्तों बंदर और मोर दोनों के बीच में कंबाइन हो रहा है, दोनों के बीच में पार्ट है, तो कुछ मोर बंदर है, ये ऑप्शन निष्कर्ष जो है वो सही हो जाएगा। उसके बाद सेकंड वाला है सभी मोर बंदर है, तो सभी मोर बंदर है तो ये नहीं कह सकते हम कि सभी मोर जो है बंदर है, कुछ मोर बंदर है लेकिन सभी नहीं है, क्योंकि दोस्तों मोर का जो बाकी का पार्ट है वो बंदर के अंदर नहीं आ रहा है, तो जो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल निष्कर्ष फर्स्ट वाला सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब निष्कर्ष फर्स्ट सही हो तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जो खिड़कियाँ है दोस्तों, सभी खिड़कियाँ सुई है, सभी खिड़कियाँ सुई है, तो जितनी भी खिड़कियाँ हैं वो आ जाएगी दोस्तों सुई के अंदर, सभी खिड़कियाँ आ जाएगी हमारे सुई के अंदर। उसके बाद कुछ पेड़ खिड़कियाँ हैं, कुछ जो पेड़ है वो आ जाएगी खिड़कियों के अंदर, तो यहाँ पर ऊपर पार्ट ले लेते हैं हम पेड़ का, जो आ जाएंगे खिड़कियों के अंदर। निष्कर्ष देखते हैं हम, कुछ पेड़ सुई है, तो दोस्तों कुछ पेड़ जो है वो सुई है, तो पेड़ का हिस्सा यहाँ पर सुई के अंदर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों खिड़कियाँ सभी सुई के अंदर आ रही है और पेड़ भी खिड़कियों के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ पेड़ सुई है, ये निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। दूसरा है कुछ पेड़ सुई नहीं है, तो कुछ पेड़ सुई नहीं है तो ये ऑप्शन हमारा, ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों पॉजिटिव केस हैं, सकारात्मक वाक्य हैं, तो नहीं वाला सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ पेड़ सुई नहीं है, कुछ जो पेड़ है वो सुई नहीं है, तो ये निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। तो निष्कर्ष पहला यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी लेप हुक हैं, सभी जो लेप हैं वो आ जाएंगे दोस्तों हुक के अंदर आ जाएंगे, सभी लेप आ जाएंगे हुक के अंदर, कोई हुक जलता नहीं है, तो जो जलना जो है वो हमारा अलग ही आ जाएगा, जलना इनके टच में नहीं होगा, वो अलग आ जाएगा दोस्तों। सभी लेप हुक है, सभी लेप जो है वो हुक के अंदर आ जाएंगे, लेप जो है वो हुक के अंदर आ जाएंगे और जलना जो है वो अलग हो जाएगा। अब कुछ लेप जलते हैं, तो लेप और जलना के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा। सेकंड वाला, कोई लेप जलता नहीं है, कोई भी लेप है जो जलता नहीं है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सेकंड जो निष्कर्ष है वो हमारा यहाँ पर सही होगा। तो निष्कर्ष जब सेकंड सही हो तो ऑप्शन कौन सा होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी पक्षी कुत्ते हैं और कुछ कुत्ते बिल्ली है, और निष्कर्ष दे रखे हैं कुछ बिल्लियाँ कुत्ते नहीं हैं, सभी कुत्ते पक्षी नहीं हैं, सभी पक्षी कुत्ते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों जो स्टेटमेंट दे रखे हैं, दोनों जो कथन दे रखे हैं, वो दोनों हमारे पास पॉजिटिव कथन है, दोनों जो कथन है वो पॉजिटिव है, जबकि उसके दोनों जो निष्कर्ष दे रखे हैं वो दोनों निष्कर्ष यहाँ पर हम देख सकते हैं नेगेटिव है, नहीं है नहीं है, मतलब दोनों नेगेटिव है। तो हमेशा मैंने बताया था आपको कि पॉजिटिव कथन का कभी भी नेगेटिव निष्कर्ष नहीं होता है, सकारात्मक कथनों का नकारात्मक निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही निष्कर्ष हमारे पास गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थे 15 महत्वपूर्ण कथन तथा निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।